मेरा नाम वंदना अग्रवाल है, मैं भारती ग्रुप ऑफ कॉलेज दुर्ग से हूँ। मैंने पहले वीडियो में लिया था कि जब हम मल्टीपल टेबल्स के साथ जॉइनिंग करते हैं तो डेटा किस तरीके से डिस्प्ले होता है, लेकिन पार्ट वन वाला जो वीडियो है उसमें हमने किसी भी टेबल पर की कंसेप्ट को यूज़ नहीं किया था। अभी हम देखते हैं कि हमारी जो टेबल्स हमने ली थी A1, B1, C1 एंड D1, इनमें यदि हम प्राइमरी की या फॉरेन की कंसेप्ट लेते हैं, दैट मीन्स हम यहाँ पर ले कर चलते हैं कि हम जो ज्वाइनिंग करने वाले हैं वह चाइल्ड पैरेंट रिलेशनशिप पर किस तरीके से बिहेव करता है। अगेन जो मैंने यहाँ पर टेबल्स बनाई हैं, क्रिएट किया है मैंने सिंपल टेबल A1 को जो ID और नेम के साथ वर्क कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ID पर मैंने प्राइमरी की को यूज़ किया है। 3 रिकॉर्ड मैंने सिंपली इसमें डाले हैं जो मैंने पहले डाले थे, 1 अमित, 2 राजा, 3 एंड रेखा। देन सेकेंड टेबल जो मैं ले रही हूँ यहाँ पर वह मैं B1 ले रही हूँ, लेकिन यहाँ पर जो मेरा ID कॉलम है वह A1 कॉलम को रेफरेंस कर रहा है, मीन्स A1 टेबल के ID कॉलम को रेफरेंस कर रहा है। दैट मीन्स मैंने यहाँ पर B1 जो टेबल है उस पर आपके फॉरेन की को मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है। यहाँ पर जो मैं रिकॉर्ड डाल रही हूँ वह मैंने सिंपल एक ही रिकॉर्ड यहाँ पर डाला है। मैं यहाँ पर केवल सेल डिपार्टमेंट करके एक ही रिकॉर्ड यहाँ पर इंसर्ट कर रही हूँ, जो कि मैंने ID कॉलम के साथ में जो डेटा था 1 उसके साथ में लिया है। सेकंड, मैं यहाँ पर एक और टेबल क्रिएट कर रही हूँ C1, जो कि अगेन A1 टेबल को रेफरेंस कर रही है। दैट मीन्स यहाँ पर जो ID कॉलम है वह एक अनदर चाइल्ड को रेफरेंस कर रहा है जिस पर मैंने डेटा लिया हुआ है। ID के साथ जो मैंने डेटा है वह 2 के साथ लिया है और मैंने एड्रेस यहाँ पर लिया है पूरी। देन उसके बाद एक और टेबल ले रही हूँ D1, जो कि अगेन रेफरेंस कर रही है आपकी A1 टेबल को, और यहाँ पर मैंने जो सैलरी ली है वह ID के डेटा 3 से ली है। दैट मीन्स यहाँ पर मेरी एक टेबल है A1 जिस पर मैंने प्राइमरी की बनाया है। देन तो मैंने यहाँ पर 3 चाइल्ड टेबल ली हैं, B1 आपकी, C1 एंड D1। ये 3 चाइल्ड टेबल्स हैं जो कि आपकी एक पेरेंट टेबल A1 को रेफरेंस कर रही हैं। हमने डेटा लिया है A1 पर, हमने 3 डेटा लिया है। यहाँ पर मैं आपको डिस्प्ले करवा के दिखा रही हूँ कि A1 पर मैंने यहाँ पर सिंपली 3 डेटा जो हैं वह फीड किए हैं। देखिए, देन उसके बाद में जो B1 मैं ले रही हूँ उस पर मैंने एक ही डेटा लिया है, C1 जो ले रही हूँ उस पर भी मैंने एक डेटा लिया है, एंड D1 पर भी मैंने एक ही डेटा लिया है। A1 पर मेरे 3 ID हैं, 1, 2, 3, B1 पर मेरा ID है 1, C1 पर मेरा ID है 2 एंड D1 पर मेरा ID है 3। इस तरीके से हमने अपनी टेबल को चाइल्ड पैरेंट रिलेशनशिप में बनाया है। अब हम इसके ऊपर ज्वाइनिंग करके देखते हैं। जो पहले हमने क्वेरी ली थी वही क्वेरी मैं यहाँ एग्जीक्यूट कर रही हूँ। सेलेक्ट कर रही हूँ मैं यहाँ पर, देखिए, नेम, एड्रेस, डिपार्टमेंट, सैलरी फ्रॉम A1, B1, C1 एंड D1। नेम जो है वह A1 टेबल को बिलोंग करता है, B1 जो है वह डिपार्टमेंट कॉलम को लेगा, एड्रेस जो है वह C1 टेबल से आएगा, और जो सैलरी है वह आपका D1 टेबल को बिलोंग करता है। वेयर क्लॉज जो मैंने लिया है, A1 का जो मैंने कॉम्बिनेशन लिया है वह B1 के साथ लिया है, C1 का कॉम्बिनेशन मैंने D1 के साथ में लिया है। यहाँ पर मैंने लॉजिकल ऑपरेटर एंड यूज़ किया है। आपने देखा कि C1 एंड D1 जो है जब वो आपका एग्जीक्यूट होगा तो वहाँ पर कोई भी डेटा कॉमन नहीं है, क्योंकि C1 में आपके पास 2 था एंड D1 में आपके पास 3 था। इसी तरीके से A1 और B1 जब आप लेते हैं तब वहाँ पर आपको एक डेटा कॉमन मिलेगा, A1 में भी 1 था एंड B1 में भी 1 था, लेकिन C एंड D को जब हम इक्वल कर रहे हैं तो हमारे पास वहाँ पर डेटा जो है वह प्राप्त नहीं हो रहा है। इस तरीके से यदि हम एंड ऑपरेटर लगाते हैं तो A1 और B1 का जो कॉम्बिनेशन है उसमें हमको डेटा मिलेगा 1, लेकिन C1 और D1 का जो कॉम्बिनेशन है उसमें हमको कोई भी डेटा नहीं मिलेगा। इस तरीके से एंड जो है वो मल्टीप्लिकेशन पे वर्क करता है, तो हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट में देखिए नो डेटा फाउंड आएगा।
क्यों? क्योंकि हमको C1 और D1 के कॉम्बिनेशन से कोई भी डेटा यहाँ पर नहीं मिला था। यदि मैं यहाँ पर अपना डेटा चेक करती हूँ, यहाँ पर मैं चेंज कर देती हूँ अपना डेटा, अगेन मैं यहाँ पर B1 लेती हूँ एंड देन यहाँ पर मैं आपका जो है वह A1 ले लेती हूँ। देखिए सिंपल सी क्वेरी है, हमने सेम कॉम्बिनेशन ही वर्क किया है। अब आप इसको चेक करके देखिए, आपको एक डेटा यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है जो अगेन अमित के नाम से ही डिस्प्ले होगा। एक्चुअल में देखा जाए तो यहाँ पर जो मैंने वेयर क्लॉज लगाया है, A1 B1 एंड B1 A1 का कॉम्बिनेशन लगाया है। एक्चुअल में यह डेटा कोई लॉजिकल डेटा नहीं हो पा रहा है क्योंकि हम सेम कॉलम्स को सेम कॉम्बिनेशन के साथ में यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ वर्किंग दिखा रही हूँ कि यदि हमको लॉजिकल ऑपरेटर में डेटा प्राप्त होता है तो हमको डेटा डिस्प्ले होगा। A1 एंड B1 के कॉम्बिनेशन में हमको 1 मिलता है और दोनों ही आपका लॉजिकल ऑपरेटर एंड के साथ में ट्रू कंडीशन में होने के कारण हमको यहाँ पर डेटा डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन यदि हम सेम चीज़ लेते हैं और के साथ, जो हमने A1 B1 और C1 D1 का कॉम्बिनेशन लिया था उसको हमने अभी और के साथ में लिया है, तो देखिए हमको सेम डेटा मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका और वर्क कर रहा है, तो C1 और D1 से हमको कोई भी डेटा नहीं मिलेगा क्योंकि उनमें कोई भी इक्वल डेटा नहीं हो रहा था। लेकिन A1 एंड B1 में हमको जो डेटा मिल रहा था वह 1 मिल रहा था, तो और के साथ में डेटा नहीं मिलने पर भी प्लस यूज़ होने के कारण हमको डेटा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो हमको ऐसा लग रहा है कि दोनों जो क्वेरी मैंने लिखी है, एक एंड के और पर लिखी है और एक और पर लिखी है, एंड एंड और दोनों पर ही मेरे को यहाँ पर सेम डेटा डिस्प्ले हो रहा है। तो जब भी हम ज्वाइनिंग करते हैं मल्टीपल टेबल्स पे, हमको देखना पड़ता है कि हमारी टेबल्स में से डेटा किस तरीके से फेच किया जा रहा है, क्या आउटपुट आ रहा है, वह आउटपुट हमारे अकॉर्डिंग है या नहीं है। क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही है लेकिन डेटा जो डिस्प्ले हो रहा है वह किस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है, ये हमको चेक करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप जब हम बनाते हैं तो उसके आधार पर हम जब ज्वाइनिंग करते हैं तो किस तरीके से हमको डेटा यहाँ पर दिखाई देता है। अभी जो हमने डेटा लिया है उसमें कोई भी डुप्लीकेसी नहीं है, तो हमको यहाँ पर सिंपल जो डेटा है वह दिख रहा है। यदि डुप्लीकेसी होगी तो फिर उसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर डेटा डिस्प्ले होगा। हमको फिर चेक करना पड़ेगा कि एंड एंड और का जो बिहेवियर है वह हमारे डेटा पर किस तरीके से बिहेव कर रहा है। थैंक यू।